गाइस, आज आप सब लोग को मैं बताने वाला हूँ मेरी यूट्यूब जर्नी जो कि मैंने स्टार्ट की थी। तो मैंने भाई साहब, फ़ोन आया था मेरा रेडमी नोट 8 प्रो। पहले मेरा था लावा X50 जो कि 5 साल चला चुका था और उसमें कुछ भी नहीं मैं कर पाता था। फिर क्या क्या कि मैं पबजी से चिढ़ करता था। मैं पबजी जानता तक नहीं था कि पबजी था क्या। फिर पबजी में क्या हुआ गाइस कि पबजी मेरे एक मामा का लड़का वो खेलता था, उसने मेरे को सिखाया खेलना। तो फिर मैंने रेडमी नोट 8 प्रो फ़ोन लिया। वो लोग यूट्यूब चैनल के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई, तो मैं यूट्यूब चैनल देखता गया उन लोगों का। उनके 6-6 सब्सक्राइबर खुद ब खुद कर रहे थे। मैंने भी खोला टेक्निकल अनिकेत निरंजन नाम से। फिर मैंने 29 मई को फाइनल ये एपी गेमिंग चैनल खोला और इस पर भाई साहब ऐसे ही 6 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाल 3 महीने तक कोई वीडियो नहीं डाली। फिर एक फालतू में टिकटॉक बंद हो गया, तो टिकटॉक पे से मैंने सोचा अब यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली तो भाई साहब रोड टू 30 सब्सक्राइबर, तो वो मेरी वायरल हो गई। तो उससे मेरे 30-40 सब्सक्राइबर हो गए। फिर क्या, मैं इंस्टा पे भी शेयर करता था तभी तो 30-40 सब्सक्राइबर हो गए। फिर इसके बाद भाई साहब बहुत सारे बंदे बोल रहे थे तू पागल है, ये है वो है। तो मैंने डाली नो अनसपोर्टेड, तो वो वाली भी वायरल हो गई। तो भाई साहब इस कारण मेरे 700-800 सब्सक्राइबर तक तो मैं शॉर्ट वीडियो लाता रहा और उसमें बीच में क्या पिंग हाई आता था पबजी लाइट का। तो भाई साहब मैं बहुत कोशिश करता रहा। फिर कुछ समय जाके जब सर्दियां लगी तो मेरा बोर है बहुत दूर गांव से, 4 किलोमीटर दूर। डेली वहाँ गाड़ी से मैं जाता था और दिन रात वहीं रुकता था और वहाँ पर मेरे को जनरेटर स्टार्ट करना पड़ता था। तो जब मेरे करीब बन के कम्प्लीट होने वाला था, 700-800 के करीब सब्सक्राइबर था, तो वहाँ मैं डेली के डेली लाइव स्ट्रीम करता था और आप सब लोग को बताता रहता था। वहाँ की पुरानी वीडियो आप सब लोग ने देखी होंगी। तो भाई साहब वहाँ पर ना मैं करता रहा कोशिश भाई डेली लाइव स्ट्रीम, ऊपर धूप में बैठ के करता था क्योंकि छाँव के पास जनरेटर चलता था, आवाज़ सही नहीं आती थी। तो मैं धूप में जाके खेलता था ऐसे नोबड़ो जैसा। तो बंदे भाई, जब भी बूस्ट में चैनल था क्योंकि जब भी लॉकडाउन था। तो भाई साहब इतना मेहनत करने के बाद जब मैं इतना करता रहा ओनली रेडमी नोट 8 प्रो फ़ोन से, मेरे पास ना कोई दूसरा कुछ था और 1.5 GB नेट था जिसमें मैं आप लोग से बोलता रहता था प्लीज़ ये रिचार्ज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इससे बंदा बहुत गुस्सा हुआ। जब फिर मेरा बन के सुपर 1500 सब्सक्राइबर हो गया तो फिर मैंने घर वालों को बताया कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है, उससे पैसा आता है। तो फिर मम्मी को बताया, सबसे पहले पापा को नहीं बताया, फिर पापा को भी 1800 हो गया था जब बताया। तो फिर मैंने बोला लैपटॉप चाहिए। तो फिर पहले तो मैं चला गया कहाँ पे ललितपुर पढ़ने आ गया जब ये पेपर थे। तो फिर पापा से जब भी बोल दिया था कि अब मेरा सब्सक्राइबर और बहुत टाइम कंप्लीट होने वाला है, मेरा पैसा चाहिए पड़ेगा मेरे को। तो पापा ने फिर जब कंप्लीट हुआ तो जुलाई में मेरे को क्या दिला दिया भाई, जुलाई में मेरे को वाईफाई नहीं लैपटॉप दिला दिया। तो उस लैपटॉप से कुछ नहीं किया क्योंकि भाई नेट नहीं था और भाई सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, मेरे को एकदम बुरा सा लगने लगा था। फिर मैंने बहुत टाइम नहीं हो रहा था तो मैंने पापा से बोला कि पापा पैसे चाहिए, यूट्यूब चैनल का बहुत टाइम है जो कंप्लीट करना है, वो कस्टम रूम से ही मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मैं भाई फटाक से ना इतना कस्टम रूम लाया, गिव अवे भी दिए भाई, ऐसा नहीं है कि गिव अवे नहीं दिए, गिव अवे भी सबके दिए भाई, एक भी बंदा नहीं है जिसका गिव अवे नहीं दिया। और भाई मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया। अब मोनेटाइज होने के बाद भाई इतना प्रॉब्लम किया है भाई हमने, मैं डेली है ना कहाँ से ब्रो इतना पैसा लाया, वो तो भाई आपको पता है पापा से मांगता रहा और पापा ने कर्जा पे उठा के हमको ये दिलाया सब कुछ। और गाइस सबसे बड़ी बात जो है कि जब मैं वहाँ खेत पे धूप में बैठ के लाइव स्ट्रीम डेली किया करता था, डेली 1-2 घंटे में, और फ़ोन इतना हीट होता था क्या नहीं बताऊँ भाई। और यहाँ वहाँ खेलना भी जब मैं जानता नहीं था, बिल्कुल भी खेलना नहीं जानता था मैं, ऐसे ही लगे रहता था। फिर भी भाई आप लोग के सपोर्ट एंड प्यार की वजह से मेरा आज इतना सब्सक्राइबर हो गया है। और भाई मैं वहाँ धूप में बैठ के करता रहता था। अब क्या है, ये सेकंड पार्ट मैं आपको बाद में बताऊँगा जब मेरा थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा, तो पार्ट 2 लाऊंगा इसका। मकान पे रह रहा हूँ अभी, तो ये वाला पार्ट 2 मैं लाऊंगा। ये पार्ट 1 इसलिए बताना पड़ा क्योंकि ये कुछ लोगों को पता नहीं है कि हम पीछे से भी हार्ड वर्क करके आ रहे हैं, अभी हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, पीछे से भी हार्ड वर्क करके आए हैं।
हम साथ साथ आठ आठ घंटा स्ट्रीम किया है एंड पहले आया आधा आधा एक एक घंटा ऐसी स्ट्रीम की है और शॉर्ट वीडियो मेरी वायरल हुई है तो शॉर्ट वीडियो से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। पहले मेरे चैनल का नाम एपी गेमिंग था, आप सब लोगों को पता ही है। तो गाइस कृपया यार अगर मेरी ये थोड़ी भी ये स्टोरी में यार थोड़ा भी आप सब लोगों को लग रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए यार प्लीज़ मेरे भाई लोग। 5K पर नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, ये पार्ट 1 है।